हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। और आज सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, किसका? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। सर ने आपको पहला लेक्चर लास्ट वीक जो आपने कवर किया, आज है सेकंड लेक्चर की बारी। एंड इसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा। एंड हमने एक थोड़ा सा एक स्टेप उठाया यहाँ पर कि हम आप सबके लिए जब से जैसे ही ये सेशन खत्म हो उसके अंत में हमने कुछ क्वेश्चन लगाए आपके लिए, 4-5 क्वेश्चन हैं जिनको हम आने वाले दिनों में अपने एक लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, ताकि आपके अगर कुछ डाउट्स हैं या आपको कुछ सवाल हैं, कुछ समझ नहीं आया तो आप साथ साथ पूछ सकें। तो लाइव सेशंस हम थोड़ा ट्राई कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा करने की, ताकि बच्चों के जो डाउट्स हैं जैसे क्लासरूम में डाउट्स पूछ सकते हैं वो वैसे ही डाउट पूछ पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकंड सेशन लगाओ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। एंड जैसे आपको पता है कि हमारे कुछ फ्री कोर्सेज भी चल रहे हैं, जैसे मंडे टू फ्राइडे आपको पता है जीएस कंप्लीट कर रहे हैं, प्रीमिक्स आ रहा है, प्रीमिक्स को भी लाइव करने की ट्राई कर रहे हैं, मैड है ना, देन जो वीकेंड पे क्लासेस होती हैं सी सैट की, जैसे आ रही है स्कीम एडिटोरियल, थोड़ा और रिवैम्प करने की ट्राई कर रहे हैं। बहुत से लोग जुड़ते जा रहे हैं, ईमेल्स आती रहती हैं उनकी एंड नए नए सजेशन देते रहते हैं, तो ये सब कुछ कवर करने की ट्राई कर रहे हैं पैरेलली ऑप्शनल्स वगैरह। एंड हमारे पास जो कुछ पेड कोर्सेज चल रहे हैं उनका भी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। पेड कोर्सेज का जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स अब नज़दीक आता जा रहा है, जुलाई बीत चुका है, अगस्त आ चुका है, मेंस है, सोशोलॉजी का भी क्रैश कोर्स है जिसके थ्रू बहुत से स्टूडेंट्स इसको रैपिडली कवर कर रहे हैं एंड क्वेश्चंस आंसर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो अगले साल की वेट नहीं करते, वो एक साल पहले ही सभी कुछ प्रिपेयर रखते हैं, ताकि जैसे ही प्री निकले उसके बाद मेंस के लिए टाइम कम रहता है तो मेंस की भी वो बहुत ही रैपिडली तैयारी करते हैं। तो हम ठीक है, हम भी इनकरेज करते हैं, ऐसा कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी जो हमारे वेरियस कोर्सेज अवेलेबल, आपको पता है हमारी जो वेबसाइट है sleepyclasses.com, उसके पहले अगर आप टेस्ट सीरीज लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा। एंड सेकेंडली उसके अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम अपने PDF वगैरह शेयर कर रहे हैं, तो सभी चीज़ें जो सिंक्रोनाइज चल रही हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आइए लगाएं हमारा जो आज का सेशन है ये वाला परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सेकेंड पार्ट। चलो शुरू करते हैं, सर आपको आगे कंटिन्यू करेंगे। हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे क्वेश्चंस हम इसके थोड़े से टैकल कर सकते हैं। पिछले वीडियो में जैसे हमने फंडामेंटल रूल्स पढ़े थे, यहाँ पे एक्चुअल में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है वो चीज पढ़ेंगे। ठीक है, देखो कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन इज जस्ट सिलेक्शन। क्या होता है एग्जाम्पल लेके करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और परम्यूटेशन क्या है, परम्यूटेशन दो स्टेप प्रोसेस है, पहला स्टेप है सिलेक्शन और उसके बाद है सेकंड स्टेप में अरेंजमेंट। ठीक है, सिलेक्शन तो देखो कॉमन है दोनों में, यहां तक तो दोनों कॉमन है, बट परम्यूटेशन एक स्टेप फर्दर चला जाता है, वो उन सिलेक्शन को अरेंज भी करता है। ठीक है, बस याद रखना कि परम्यूटेशन एक स्टेप ज्यादा है, सिलेक्शन तक ये सेम है, एंड दैट इज द रीजन परम्यूटेशन जो होता है वो आप नॉर्मली देखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कभी भी कॉम्बिनेशन से छोटा नहीं हो सकता, हमेशा उससे बड़ा या इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, जब अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं होगी। ठीक है, सिलेक्शन ही होगी, उसकी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगी, उस केस में परम्यूटेशन विल बी इक्वल टू कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं सपोज, ठीक है, उसमें 6 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। अब मैं बोलूं आपको कि क्लास टीचर ने एक मॉनिटर चूज करना है, सिंगल एक मॉनिटर चूज करना है, कितने वेज में वो क्लास टीचर एक मॉनिटर चूज कर सकती है। ठीक है, अब आप बोलोगे हम फंडामेंटल रूल्स भी थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और वो ये प्रेजेंट हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी। आप बोलोगे जो मॉनिटर होगा या तो बॉयज में से होगा या गर्ल्स में से होगा। ठीक है, अगर बॉयज में से हुआ तो कितने वेज हैं, 6 वेज, और अगर गर्ल्स में से हुआ तो कितने वेज हैं, 4 वेज। अगर आ गया ना, या तो पहला होगा या दूसरा, दोनों नहीं हो सकते, तो और वाला केस है फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन, 6 + 4 = 10 वेज। इसका मतलब है 10 वेज में वो मॉनिटर को चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यही चीज मैं कॉम्बिनेशन से करता हूं। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारे पास देखना होता है कि कितने टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट्स इस केस में बच्चे हो गए 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से मुझे एक को सिलेक्ट करना है। इसको मैं ऐसे लिखूंगा 10C1, 10 में से एक को मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, तो जनरल अगर हम देखें इसके थ्रू मैं फॉर्मूला भी आपको पढ़ा रहा हूं, NCR होता है, where n is the total number of objects different, r is selected at a time, कितने select किए। तो of course r की value जो होगी n से कभी बड़ी नहीं हो सकती।
ठीक है। अब 10 बच्चों में से मैं ये नहीं बोल सकता कि टोटल 10 की अवेलेबिलिटी है, 11 बच्चे सिलेक्ट कर दूं, नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है, 2 बच्चे सिलेक्ट करूं, 10 बच्चे हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल नीचे आर फैक्टोरियल एन माइनस आर होल फैक्टोरियल, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। फैक्टोरियल आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। जैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 5, 4, 3, 2, 1। हमेशा जो भी फैक्टोरियल की बात करी वहां से स्टार्ट करना है और 1 तक जाना है, इन बिटवीन जितने भी इंटीजर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते लिखते जाना है। जैसे 7 फैक्टोरियल क्या होगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, राइट। तो 10C1 आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे फॉर्मूले के थ्रू तो आंसर आ जाएगा 10। तो ये फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन से और ये फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सॉरी ये कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से हमने किया, ठीक है। अच्छा अब अगले केस में क्लास टीचर की जो कंडीशन थी वो चेंज हो जाती है, हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 10 बच्चे हैं, 6 बॉयज और 4 गर्ल्स, ठीक है। वो बोलती हैं क्लास टीचर को कि आपको 2 मॉनिटर चूज करने हैं, ठीक है, एक बॉयज में से और एक गर्ल्स में से, राइट। तो बॉयज में से एक मॉनिटर चूज करने के कितने वेज हैं, 6। इसके किसी भी एक वे के लिए गर्ल्स में से कितने वे मॉनिटर चूज कर सकते हैं, 4, ठीक है। दोनों काम करने हैं ना, तो एंड वाला केस आ गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, आंसर आ गया 24। सो दिस इज द आंसर फ्रॉम फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। 2 टास्क करने थे बॉयज में से, किया तो 6 वेज में, इसके किसी भी एक वेज में से अगर गर्ल्स के लिए हम देखें मॉनिटर चूज करना है, 4 वेज, टोटल 24। यही चीज अगर कॉम्बिनेशन में अप्लाई करूं कैसे होगा, आप बोलोगे एक यहां से 6C1 इनटू, इनटू क्यों किया, क्योंकि दूसरा भी करना है, दोनों टास्क है, एंड वाला केस है, और गर्ल्स में से 4C1 फॉर्मूले से यूज करोगे तो आएगा 6 × 4, वही चीज बन जाएगी 24, ठीक है। तो फंडामेंटल रूल आपको मैंने बताया था ना कि फंडामेंटल रूल से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो यही वो एग्जाम्पल है। अगर आपको सी या पी की नॉलेज नहीं भी है तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक और कंडीशन हम इसमें डालते हैं। अब आपको बोला जाता है कि जो 2 मॉनिटर आपने चूज किए थे, अब ये 24 वेज हो गए ना, टोटल 24 वेज, ठीक है। अब उन 2 मॉनिटर्स, एक बॉयज में से है, गर्ल्स में से है, एक मेल है, एक फीमेल है, एक को मुझे सीनियर डेजिग्नेट करना है और एक को जूनियर बनाना है, ठीक है। मान लो आपने यूज किया, ये है बॉय नंबर 2 और गर्ल नंबर 4, इन 2 लोगों को आपने बनाया, अब ये सीनियर और ये जूनियर, ठीक है। अब एक सिलेक्शन थी, इन दोनों को बनाया था, अब आप इस सिलेक्शन को अरेंज कैसे करते हो, इस वे में एक या फिर इस वे में, ये सेकंड सिलेक्शन होगी, राइट। देखो सिलेक्शन वही है, आपने 24 वेज बनाए, उनमें से एक वे ये है B2 बॉयज में से और G4 गर्ल्स में से, बट अब उनको आप अरेंज कैसे कर रहे हो ये मैटर कर रहा है, ठीक है। 2 ही वेज है तो इसका मतलब है हर सिलेक्शन को मैं 2 वेज में अरेंज कर सकता हूं। तो अगर आप अरेंज भी करते हो तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 24 × 2, 48। तो ये 48 जो आया आंसर, ये परम्यूटेशन के थ्रू आया। मैंने बताया था ना आपको परम्यूटेशन क्या होता है, एक स्टेप फर्दर जाता है, हर सिलेक्शन को वो अरेंज भी करता है। तो क्वेश्चन अगर परम्यूटेशन के हिसाब से अगर देखें तो फॉर्मुलेट कैसा हो सकता है, वो बोलेगा कि देर आर 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, अ क्लास टीचर हैज टू चूज 2 मॉनिटर्स, 1 अमंग द बॉयज एंड 1 अमंग द गर्ल्स। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 2 मॉनिटर्स कैन बी चूजन फ्रॉम द क्लास सच डेट वन इज सीनियर एंड द अदर वन इज जूनियर, ठीक है। कि एक सीनियर बनाना है, एक जूनियर बनाना है, कितने वेज में ऐसा आप कर सकते हो। तो सिर्फ सिलेक्शन तक करना है तो 24, बट अगर उनको सीनियर जूनियर भी आपने अरेंज करना है तो 48 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आप डायरेक्टली, जैसे आप यहां से भी जा सकते हो, देखो ये पहला मेथड हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा है आप डायरेक्टली परम्यूटेशन भी अप्लाई कर सकते हो। आप बोलोगे परम्यूटेशन अगर आपने अप्लाई करनी है, आपको मैं दूसरे एग्जाम्पल से करवाता हूँ, उससे आपको ज्यादा बेटर समझेगा समझ आएगा। अभी आप यहाँ पे सिंपल ऐसे करो, 6C1 × 4C1 × 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इस चीज को समझ लीजिए आप, आपको परम्यूटेशन अगले स्टेप में डायरेक्ट पी लगा के मैं आपको क्लियर कर दूंगा उसको, ठीक है। तो ये 6C1 हो गया बॉयज में से सिलेक्ट करने का, 4C1 हो गया गर्ल्स में से, और 2 फैक्टोरियल क्यों आया, बिकॉज ये जो 2 आपने ग्रुप सिलेक्ट कर दिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इनको आपस में अरेंज करना है। जैसे यहाँ 2 बन गए ना आपके सिलेक्शन, तो उसके लिए 2 आया ये। अगर मान लो ये
तीन होते तो हम 3 फैक्टोरियल लिखते, 4 होते तो 4 फैक्टोरियल लिखते, राइट। सो ये एक बेसिक सा मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेके करते हैं। अब सपोज करो जैसे ये एक रेलवे कंपार्टमेंट है, आपने देखा होगा रेलवे कंपार्टमेंट, ठीक है। ये आ गया, यहां पे सीट्स हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने नंबर दे दिए, ठीक है। अब यहां से चार लोग एंटर करते हैं, चार दोस्त ए बी सी डी, ये रेलवे पे एंटर करते हैं कंपार्टमेंट पे, एंड दे फाउंड कि 6 सीट्स खाली हैं। अब इनको 4 सीट चाहिए अपने अपने ऑक्यूपाई करने के लिए, इनको बैठना है, 4 सीट चाहिए, तो कितने वेज में 4 सीट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, आई रिपीट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट बोलोगे 6C4, 6 में से 4 आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, फॉर्मूले में वैल्यूज डाली है मैंने सिंपली, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6C4 15, तो 15 डिफरेंट वेज में ये अपनी अपनी सीट्स, एक तरह से 4 सीट सिलेक्ट कर लेंगे। कौन सी किसको जाएगी ये नहीं, सिंपल 4 सीट्स, मान लो वो बोलते हैं कि हाँ जी हमने 4 सीट्स कौन कौन सी ली, एक तो 1, 1 5, 1 6, 1 में भी 4, इन 4 सीट्स को हम ऑक्यूपाई करेंगे चार लोग, 2 सीट्स 2 एंड 3 हम ऐसे छोड़ देंगे। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि कौन कहां बैठेगा, डिपेंडिंग ऑन दैट आपके अलग अलग अरेंजमेंट बनेंगे। अब मैंने ये 4 सीट्स यहां पे लिख लेता हूं, 1 4 5 6, अब ये कैसे बैठते हैं, ए बी सी डी ऐसे बैठते हैं, या फिर बी ए डी सी ऐसे बैठते हैं, या फिर ए डी सी बी ऐसे बैठते हैं। तो हर एक सिलेक्शन के लिए कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे वो आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था, मैं इसमें चेंज कर लेता हूं आपके लिए कलर। आप बोलोगे सीट नंबर 1 कितने वेज में ऑक्यूपाई हो सकती है, आप सिलेक्ट तो कर लिया आपने 1 4 5 एंड 6, 1 पे कितने वेज में आप ऑक्यूपाई करवा सकते हो उसको, 4 वेज में, या तो ए या बी या सी या डी। बी को, ये सॉरी फोर्थ नंबर सीट को कोई भी 3 वेज, क्योंकि जो पहले बैठ चुका है वो दोबारा नहीं आएगा, 2 वेज 1 वे, चारों ऑक्यूपाई करवानी है, एंड वाला कैसे मल्टीप्लाई किया 24, दैट मींस हर एक सिलेक्शन के लिए 24 अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो टोटल अरेंजमेंट सिलेक्शन कितनी हुई थी, 15, हर एक के लिए 24 अरेंजमेंट है इंटू 24, तो ये कितना आ गया 15 इंटू, अगर आप 24 करो तो ये आंसर आ जाएगा 360, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया कि चार लोग कितने वेज में बैठ सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन था सिलेक्ट करना है, 4 सीट्स अपने लिए उन्होंने सिलेक्ट करनी, तो आंसर है 15। अगर आपको बोले कि चार लोग 6 सीट्स पे कितने वेज में बैठ सकते हैं तो 360, दोनों में डिफरेंस है, राइट। अब जैसे अब ये हमने क्वेश्चन किया है कॉम्बिनेशन की हेल्प से, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप परम्यूटेशन की हेल्प से भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पिछले में बताया था कि इसमें आपको क्लियर होगा। अब इसमें क्या करना है, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं 6P4, 6 में से 4 को परम्यूट किया, अब परम्यूटेशन में सिलेक्शन जो है या कॉम्बिनेशन जो है इनबिल्ट है, अरेंजमेंट इनबिल्ट है, सब कुछ करके प्रोसेसिंग देगा वो आपको, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूं, एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर होल फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें अगर वैल्यू डालूं तो ये बनेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, सॉल्व करोगे सेम आंसर बनेगा 360। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी ये सी नहीं आएगा, ये पी आएगा, परम्यूटेशन, इसको आपने याद रखना है। बहुत बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि वेयर वी हैव टू अप्लाई एनसीआर एंड वेयर वी हैव टू अप्लाई एनपीआर, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको समझना है प्लस प्रैक्टिस है, धीरे धीरे आप करोगे आपको कंफर्टेबल लगेगा और आप डायरेक्ट एक्यूरेट आपको जो चाहिए वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये परम्यूटेशन भी हो गया आपका, कॉम्बिनेशन भी हो गया। अब इसी चीज को मैं एक डिफरेंट वे में आपका जो फंडामेंटल रूल्स हमने पढ़े थे उससे भी आपको मैं एक बार करके बता देता हूँ, सो देट आपको माइंड में कंफ्यूजन आ रहे। देखो जब ये चार लोग एंटर करेंगे रेलवे कंपार्टमेंट में, दे विल फाइंड 1 2 3 4 5 6 लाइन सीट्स आर वेकेंट, ठीक है। अब जब मान लो इनको अरेंज करना है, बिठाना है, तो ए है, मान लो कोई भी एक पर्सन आप इन चारों में से चूज कर सकते हो, ए से स्टार्ट करते हैं। सपोज ए कितने वेज में सीट ऑक्यूपाई कर सकता है, या ए के पास जब वो एंटर करता है तो कितने ऑप्शंस हैं,
वो देखेगा कि मेरे पास छह ऑप्शन है, छह सीट्स खाली हैं, किसी भी एक सीट पे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, बैठ भी गया, उसने सिलेक्ट भी कर ली और बैठ भी गया, राइट। अब ए की बारी हो गई, अब बी के पास, अब बी को भी बैठना है, बी के पास कितनी ऑप्शन बची, पांच, ठीक है, क्योंकि वो तो एक मिल गई। सी के पास कितनी ऑप्शन है, चार, और डी के पास कितनी ऑप्शन है, तीन। ये हमने चारों लोगों को उनकी उनकी ऑप्शंस दे दी। अगर आप इनको टोटल करो, इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने का मतलब है एंड वाला केस है, चारों को बैठना है, तो 6 5 40 40 into 6 5 30 30 into 4 120 into 3 360, तो अगेन यू विल फाइंड सेम आंसर 360। दिस इज फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आप कॉम्बिनेशन की हेल्प से कर सकते हो, परम्यूटेशन से डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर फंडामेंटल रूल जो है हमारा मल्टीप्लीकेशन का, वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस वे में आपका ये परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और जो लिंकेज है आपका रूल ऑफ काउंटिंग से, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, इन इस टाइप के क्वेश्चंस की और प्लीज प्रैक्टिस करो, और सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम और बेटर कॉन्सेप्ट्स, बेटर क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको इतना फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट भी समझ आया था, तो आप सोच सकते हो जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, अराउंड 90% क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हो इन्हीं दो चीजों के बेस पे, क्योंकि आगे जो चीजें आएंगी और थोड़ी सी टफ भी होंगी, कंफ्यूजिंग भी होगी, राइट। तो अभी पहले दो वीडियोस पे ही आपने ज्यादा मेन फोकस करना है, और इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है दोस्तों, आप सबकी क्लास खत्म हो गई, तो अब कुछ यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर होंगे, आपको इनके जो आंसर्स या सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट वीक एक लाइव सेशन में कवर करेंगे। लाइव सेशन जैसे मैंने आपको बताया, हम ज्यादा से ज्यादा करने की ट्राई कर रहे हैं। एंड ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल आपके लिए, मैं आपको सवाल रीड कर रहा हूँ, आप पॉज कीजिए, उनको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। जब लाइव सेशन जब होगा नेक्स्ट वीक, तो आप उसको आराम से साथ में समझ सकते हैं, सर से डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो पहला सवाल है कि अ बॉक्स कंटेन्स थ्री व्हाइट बॉल्स, फोर ब्लैक बॉल्स एंड थ्री रेड बॉल्स। द नंबर ऑफ वेज इन विच थ्री बॉल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स सो दैट एट लीस्ट वन ऑफ द बॉल्स इज ब्लैक इज कितने तरह से ये हो सकता है। ठीक है, पॉज कीजिए, समझिए सवाल को एंड अटेम्प्ट करने की ट्राई कीजिए। ये सभी पेपर्स में आए हुए सवाल हैं सीसैट के, और जो वेरियस हमारे जो जो पीसीएस टाइप जो एग्जाम्स रहते हैं स्टेट वाले, उनमें आए हुए हैं। तो पॉज करके यहाँ पर सवाल देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन फाइव डिफरेंट बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ रैक सो दैट टू स्पेसिफिक बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, तो ये सवाल सॉल्व कीजिए, ऑलवेज टुगेदर वाला, कि पांच डिफरेंट किताबें हैं रैक पे लगानी है, दो किताबें हमेशा साथ रहें। आसान सवाल, मुश्किल नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड मोबाइल इफ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग आर फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड मोबाइल एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। अगर मोबाइल के कहते हैं कि अल्फाबेट्स को हम उठाकर अरेंज कर दें डिक्शनरी के हिसाब से, और जो भी शब्द बनते हैं उसके हिसाब से, मोबाइल के जैसे मान लो एक शब्द एम ओ बी आई एल ई बना हुआ है, इसी अल्फाबेट्स को यूज करके आप एक शब्द बना सकते हो ओ एम बी आई एल ई, है ना। तो ऐसे सभी जो जितने वर्ड्स बनेंगे उसमें अगर अरेंज करें, मोबाइल का रैंक क्या रहेगा डिक्शनरी के हिसाब से। मुश्किल सवाल नहीं है, थोड़ा लेंथी होता है ये, ठीक है, एक से डेढ़ मिनट लगता है, लेकिन आसान सवाल। ओके, एक और सवाल देख लेते हैं। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेवन मैन एंड सिक्स वुमेन फाइव पर्सन्स आर टू बी सिलेक्टेड टू फॉर्म अ कमेटी सो दैट एट लीस्ट थ्री मैन आर देयर इन द कमेटी इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ सवाल हैं आपके पास, इन्हें अटेम्प्ट कीजिए एंड इनके सॉल्यूशंस निकालिए। आपको सर नेक्स्ट वीक करेंगे ये लाइव सेशन में डिस्कस, सवाल पक्का पूछेगा। ठीक है, थोड़ा अपना भी तैयारी होगी एंड थोड़ा सर भी लगेगा उनको भी कि हाँ भाई बच्चे कर रहे हैं तैयारी। ठीक है दोस्तों, बाकी कोर्सेज चल रहे हैं हमारे बहुत सारे, और रिवैम्प करने की ट्राई कर रहे हैं, बहुत से लोग जुड़ते जा रहे हैं, अच्छा फीडबैक आ रहा है, टेस्ट सीरीज को बच्चे अच्छे से जो जो जैसे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उसके वहाँ पर सवाल जवाब चल रहे हैं, और मैम भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाकर आपके लिए सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं वहाँ पे टेस्ट सीरीज में। ठीक है, तो तैयारी करते रहते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या फल मिलेगा, क्या रैंक आएगा, कैसे कुछ रहेगा। ठीक है, तो चलो, ठीक है, मिलेंगे अपने अगले सेशन में बहुत ही जल्द। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, गुड नाइट।